हेलो, हाय एवरीवन। मैं रिंकू, रिंकू किचन्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को चना मसाला की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। इस रेसिपी को आप गर्मा गर्म राइस के साथ, रोटी के साथ या फिर पराठों के साथ भी आप खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पूरी देखने के बाद पसंद लगे तो इस रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर बिना देर किए रेसिपी को शुरू करते हैं। चना मसाला बनाने के लिए मैंने 1 कप चना रात भर भिगो कर के रख दिया था, और देखिए फूल करके ये एक बाउल हो गए हैं। अब हम एक कुकर में इन फूले हुए चनों को ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद जितना चना उतना ही पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। पानी डालने के बाद हम इसमें एक तेज पत्ता ऐड करेंगे, एक बड़ी इलायची और 1 इंच दालचीनी के टुकड़े, और नमक डाल करके हम इसे अच्छे से मिला देंगे। इसके बाद हम कुकर का लिड को बंद कर देंगे और हाई फ्लेम पे हम 5 से 6 सीटी लगा लेंगे। इसके बाद गैस का फ्लेम को लो कर दीजिए और इसे 2-3 सीटी और लगा लीजिए, क्योंकि अगर बढ़िया चना मसाला बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान देना ज़रूरी है कि चने अच्छे से बॉईल हो जाएं। तो देखिए यहाँ पर चना तो बॉईल हो चुका है। चलिए हम कुकर को एक साइड रखते हैं और सेम गैस में हम एक पैन चढ़ाते हैं, और यहाँ पर हम डालेंगे सरसों का तेल। चना मसाला बनाने के लिए आप कोशिश कीजिएगा सरसों का तेल ही लें। और अब इसे अच्छे से गर्म करके 2 इलायची और साथ में हम जीरा ऐड कर देंगे। जब दोनों चीज़ें अच्छे से चटक जाए तब हम इसमें अदरक लहसुन का कुटा हुआ पेस्ट डाल देंगे और इसे भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, इसमें ऐड कर देंगे और अब इसे अच्छे से भून लेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लें। ऐसा करने से मसालों में एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर निकल करके आता है और इसका कलर भी काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर प्याज हमारे भून चुके हैं। अब हम यहाँ पर डालेंगे 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 टीस्पून गोलकी पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और 1/2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर काला नमक ऐड करा है। इसके बाद हम इसे थोड़ी देर भून लेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट को मैंने सिंपली 2 टमाटर और 1 लाल मिर्च और 2 लहसुन की कलियाँ डाल करके इसे फाइन पेस्ट बना लिया है। इसकी जगह पे आप चाहे तो टमाटो का प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। टमाटर डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक को भी ऐड कर देंगे और अब इसे भी अच्छे से थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, तब तक जब तक कि इसका ऑयल अच्छे से सेपरेट ना हो जाए। जब तक टमाटर भून रहे हैं तब तक हम इधर कुकर को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुकर का सीटी रिलीज हो चुका है। अब हम इसे एक बार चम्मच से इसी तरीके से 1-2 चनों को उठा करके मैश करके देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर चने इजीली मैश हो जा रहे हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट हैं चना मसाला बनाने के लिए। और यहाँ पर देखिए टमाटर भी हमारे अच्छे से भून रहे हैं और इसका कलर भी अब आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है। अब यहीं पर मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करूंगी। बेस्ट चना मसाला बनाने के लिए यहाँ पर आप उबले हुए चनों को 2 से 3 चम्मच के करीब इसमें ऐड कर दीजिए और मैशर से इसे मैश कर दीजिए। इससे जो है ना चना मसाला की ग्रेवी जो है ना काफ़ी थिक और काफ़ी बढ़िया बनके तैयार होती है। अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो जब भी चना मसाला बनाते हैं तो उनकी ग्रेवी जो है ना वो पतली सी निकल करके आती है, लेकिन अगर आप इसको ऐसा मिक्स करके बनाएंगे ना तो आपका चना मसाला काफ़ी गाढ़ा और काफ़ी थिक बनकर के तैयार होगा, जिसे आप कभी भी रोटी या फिर चावल के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसी तरीके से सारे चनों को मैश कर लिया है। अब हम यहाँ पर उबले हुए चनों को पानी सहित इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि इन चनों के पानी में काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। तो आप इसे एक साथ इसी में मिक्स कर दीजिए।
मसालों के साथ चनों को मिक्स करने के बाद अगर आपको इसमें थोड़ा सा पानी कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप इसे ऐसे भी थोड़ी देर के लिए पका सकते हैं। पाँच से सात मिनट के बाद एक बार आप इसे चेक ज़रूर कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा चना मसाला कितना बढ़िया बन करके तैयार हो गया है, और इसकी ग्रेवी भी काफ़ी थिक लग रही है। अब हम यहाँ पर डालेंगे आधा चम्मच के करीब गरम मसाला और ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसमें हरा धनिया का फ्लेवर काफ़ी बढ़िया आता है, तो आप हरा धनिया डालने में बिल्कुल कभी कंजूसी मत करिएगा। इसके बाद हम इसे ढक करके थोड़ी देर 2 से 3 मिनट छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद आप देखिएगा तो कितना बढ़िया इसका फ्लेवर निकल करके आया है और कलर भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और अब हम इसमें एक स्पेशल तड़का भी लगाएंगे, तो इसके लिए मैंने एक तड़का पैन ले लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी। घी की जगह अगर आप चाहे तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली अगर हम सजेस्ट करें तो आप इसमें घी ही ऐड करिएगा। और इसमें 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन जब थोड़ा सा हल्का भुन जाए तब हम इसमें 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी भी ऐड कर देंगे, और अब इन दोनों को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो ये गया तड़का चना मसाला में। इस चना मसाला में ये तड़का आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चना मसाला का स्वाद जो है ना दुगुना हो जाता है, जिसे खा के आप उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। तो ये रेसिपी मस्ट ट्राई है, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा बिल्कुल मेरे तरीके से। और देखिए यहाँ पर चना मसाला का कलर भी कितना बढ़िया आया है। तो देर किस बात की, बनाइए खाइए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही रेसिपी लेकर के आती रहूं। फ्रेंड्स आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर काले चने के झोल की रेसिपी चाहिए तो जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।